हेलो दोस्तों, सबको मेरी राम राम। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 4 और इसी के साथ मैं अभी आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करता हूं। तो दोस्तों, ये देखो आप रहे हैं, आज स्कूल से आया तो फ़ोन के अंदर ही लगा हुआ है। इसके अलावा अभी इसने कुछ भी नहीं किया है, बस खाना खाया है, आते ही फ़ोन में लग गया। इधर बैठिए सगुन, सगुन गाइस को अपना हेलो हाय। तो दोस्तों, सगुन की आज हो गई है तबीयत खराब। कल तबीयत खराब हुई थी अजय की और आज तबीयत खराब हो गई है सगुन की। तो दोस्तों, अभी मेरी ग्रीन टी आ गई है तो मैं अभी इसी के साथ अपना इवनिंग रूटीन स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको इवनिंग में मैं क्या करता हूँ। आप भी बने रहिए मेरे साथ इवनिंग रूटीन में। तो दोस्तों, सगुन ने अभी लंच कर लिया है लेकिन ये अभी खुश नहीं है, तबीयत इसकी अभी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी इसको लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास। पहले मैं एक बार ग्रीन टी पीने के बाद करते हैं हम अपना इवनिंग रूटीन स्टार्ट। दोस्तों, वैसे मैं डेली ग्रीन टी पीता हूँ इवनिंग में, क्योंकि मैं दूध वाली चाय तो कभी पीता नहीं हूँ। ग्रीन टी के अपने अलग ही बेनिफिट हैं, सबको पीनी चाहिए। सबसे बेस्ट तो इसका बेनिफिट है वेट लूज और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम करती है, ये काफ़ी हेल्थफुल्ली रहती है ये। सबको मैं तो यही कहूँगा, वन टाइम डे में एक बार तो पीनी चाहिए ग्रीन टी, सबसे बेस्ट होती है दूध वाली चाय से। तो दोस्तों, अभी मैं बस जल्दी जल्दी अपनी ग्रीन टी को कर देता हूँ ख़त्म और चलते हैं अपने डेली रूटीन पे। तो गाइस, अभी चलते हैं दूध लेने और मैं करूंगी स्कूटर ड्राइव, तो आज टाइम तो नहीं है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं अभी दूध लेने। मेरा बाहर वेट और मेरी तबीयत भी थोड़ी है खराब, नेक्स्ट का यूटी, तो जल्दी चलते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, ये छोटा बच्चा हमारा व्यूअर है, ये हमारी वीडियो देखता रहे तो ये बोल रहा था अंकल जी मुझे भी वीडियो में दिखाओ। इसके पापा जी गुप्ता जी फ्रूट्स की रेडी लगाते हैं, बहुत सस्ते और अच्छे फल बेचते हैं गुप्ता जी।
गाइस पापा जा रहे हैं अंदर दूध लेने, मैं करती हूँ यहीं पर पापा का वेट। और बारिश आ गई है थोड़ी तेज। गाइस बारिश आ रही है बहुत तेज। गाइस बहुत देर बारिश आ चुकी है, पापा वहीं खड़ा है स्कूटी भी गीली हो चुकी है पूरी। मैं यहाँ कर रही हूँ वेट। तो पापा भी आ चुके हैं दूध लेकर और बारिश रुक चुकी है। इसके बाद मैं लेके आता हूँ एक बार आपके। और अभी पापा जाएंगे अपनी जड़ी बूटी लेने। गाइस पापा जड़ी बूटी लेकर आ चुके हैं और अभी हम चलते हैं घर। बारिश में हो गई हमारी स्कूटी गीली, इसको कर देते हैं हम एक बार। गाइस बारिश आ रही है और हम भीग चुके, तो हम गाड़ी ही ले आते वही सही रहता। मैं भीग चुकी हूँ। गाइस हमें आम का पेड़ लेना था, वो हमें यहाँ से मिला। यहाँ पे है तो बहुत सारी नर्सरी पर, अब हम चलते हैं आगे। गाइस हम आ चुके हैं नर्सरी में और हमें लेना है एक पौधा, देखते हैं कौन सा लेते हैं हम।
छोटा निकाल दे, ऊपर इन रहा वो तो सही होगा वो। गाइस निकलवाते हैं इस भैया से पीपल का पेड़ और आग लगाएंगे पीपल का पेड़। और ये लाल नर्सरी है ना आपकी, ये पेड़ अच्छे रखते हैं लेकिन अब इनकी नर्सरी थोड़ी छोटी हो गई, पहले बड़ी। हमने ये वाला ले लिया पीपल, हमने पीपल का पेड़, अब हम इसको लगाएंगे। गाइस पापा चल रहे हैं पौधा लगाने, यहाँ लगा देता हूँ, हम यहाँ लगाएंगे अपना पौधा। और आज है हरियाली अमावस, पीपल का पेड़ हमने इसके वैज्ञानिक भी और शास्त्रों के अनुसार भी महत्व है।
वैज्ञानिक तो ये है कि ये 24 घंटे में ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और शास्त्रों के अनुसार इसमें भगवान विष्णु परमात्मा का वास होता है। कोई दो सबको हरियाली अमावस्या आज उस पर हरियाली अमावस्या है आज के तो इसके अपने शास्त्रों के अनुसार कोई दो नाटक को बताओ। देखो कि हरियाली सावन का महीना है और हरियाली हरियाली है सारी जगह पर, पेड़ पौधों का सबसे बड़ा वो है महत्व मार्च का, इसीलिए मैंने पीपल का पेड़ लगाया। मैं बर्मा विष्णु वंश में आवास होता है, सारे देवी देवता का आवास होता है बिल्कुल, और एक पेड़ को सबको लगाना ही चाहिए बिल्कुल। जीवन में अपने जीवन में एक या पांच पेड़ जरूर लगाएं। ये गाइस हमारे यहाँ के पंडित जी हैं, बहुत अच्छे हवन और शादी ब्याह में बहुत वो कराते हैं हमारा, ठीक है पंडित जी? ठीक है, चाय पी लो सर। अरे मैं धन्यवाद। और दोस्तों ये है हमारे पंडित जी, हमारे गांव के और हमारी माता मंदिर के, ये यहाँ पे बहुत सेवा करते हैं दोस्तों। चलो पंडित जी चलते हैं, धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। तो हेलो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं घर पे दूध लेके, और आपने देखा मैंने वहाँ पे मंदिर में एक पीपल का पेड़ लगाया है। तो आज खास दिन यही तक, आज है हरियाली अमावस, तो उसके उसमें मैंने वो पीपल का पेड़ लगाया है। पीपल का पेड़ इसलिए लगाया है क्योंकि वो वैज्ञानिक और हिंदू धर्म के अनुसार दोनों में उसे सर्वप्रथम माना गया है। वैज्ञानिक तो वो इसलिए 24 घंटे में ऑक्सीजन देता है, और हिंदू धर्म में वो इसलिए सब हिंदू देवी देवताओं का उसमें वास होता है, इसलिए सबसे पूजनीय पेड़ पीपल का ही होता है और शुभ भी होता है, जिसमें हम परिक्रमा भी करते हैं, जोत भी लगाते हैं, दूसरा कोई भी शुभ काम होता है तो पीपल की हर उसमें जरूरत पड़ती ही है। तो दोस्तों ये यहाँ पे बैठे हैं अजय, बोलो अजय क्या कर रहे हो? अजय अभी स्टडी की कर रहे हैं तैयारी स्टडी, क्योंकि इनके आ गए हैं एग्जाम। और ये यहाँ पे अजय की मम्मी, अभी दूध इन्होंने अभी अभी साफ किया है और ये डिनर की कर रही हैं तैयारी। तो दोस्तों अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो दोस्तों हमारे व्लॉग को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स जरूर करना कि हमने कैसा व्लॉग बनाया है, आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग्स करते हैं दोस्तों यहीं पर।